सब्सक्राइब करिए हमारे ऑल इंडिया टेक यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को भी प्रेस करिए रोजाना नई वीडियो देखने के लिए। हे गाइस, कैसे आप लोग, मैं वंश आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया टेक में। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप यूनियन बैंक अकाउंट होल्डर है तो गाइज आप लोगों ने यू मोबाइल एप्लीकेशन को यूज किया होगा। गाइज अगर आप लोग उसका पासवर्ड भूल जाते हैं, लॉग इन पिन जो होता है गाइज, या फिर आप लोग फॉरगेट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो गाइज किस तरह से करेंगे आप लोग बिल्कुल पासवर्ड भूल गए तो आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा कि आप यू मोबाइल एप्लीकेशन का लॉगिन पिन कैसे चेंज कर सकते हैं अपने घर पे बैठ के। गाइज आप लोगों को बता दें, अगर आप लोगों ने यूनियन बैंक अकाउंट ओपन किया है तो गाइज आप लोग यू मोबाइल एप्लीकेशन को जरूर यूज करिएगा। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसकी वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूं मैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप लोग जाके देख सकते हैं, या फिर आई बटन ऊपर दिखाई दे रहा है उस पर भी आपके सामने वीडियो आ रहा होगा। तो गाइज दूसरी बात मैं आपको बता दूं, वहां पे आप लोगों को लॉगिन करने के लिए गाइज आपने डेबिट कार्ड की जरूरत पड़ती है, तो गाइज आप डेबिट कार्ड अपने पास में रखिए तभी आप लोग लॉगिन पिन को चेंज कर पाएंगे। तो सिंपली इस वीडियो का अंत तक देखना, बिना स्किप के देखना, तभी आप लोगों को समझ में आ पाएगा कि किस तरह से यू मोबाइल एप्लीकेशन का लॉगिन पिन आपको चेंज करना है, साथ ही में ट्रांजैक्शन पिन कैसे चेंज करना वो भी आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। तो गाइस बिना स्किप के वीडियो देखना, एंड तक देखना, तभी आपको समझ में आ पाएगा। उससे पहले उम्मीद करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो प्लीज तुरंत जाके सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, फॉलो करिए इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। किसी भी टाइप की क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम पर मैसेज करके कॉन्टेक्ट आप हमसे कर सकते हैं। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको यू मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना क्लिक करके, या फिर आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर भी यू मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, इंस्टॉल करने के बाद में उसे ओपन कर लेना। तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना होगा, यू मोबाइल एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल कर लिया, अब इसे ओपन आपको कर लेना है। ओपन करने के बाद में इस तरह का कुछ इंटरफेस आप लोगों के सामने आ जाएगा। आपको यहाँ पे लॉगिन पिन जो है गाइज, ये जो पिन है आप ये पिन भूल चुके हैं, आपको नहीं पता है कोई सा भी, ये आपने जो भी बनाया था वो भूल चुके हैं। तो गाइज आप लोगों को ये फॉरगेट कैसे करना है वो आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। सिंपली गाइज आपने यहाँ पे डाला, ये इनकरेक्ट बता रहा एंड लॉगिन अटेम्प्ट 3 बता रहा। तो सिंपली आपको क्या करना है, अगर आप लोग यहाँ पे आपने जो मोबाइल नंबर दिया है एंड आपने जो इसका डेबिट कार्ड का डिटेल्स दिया वो आपके पास है तो आप इसको फॉरगेट कर सकते हैं तुरंत ही। जैसे कि आपने फॉरगेट पर क्लिक किया, फॉरगेट पर क्लिक करने के बाद में आई हैव डेबिट कार्ड लिख के आ रहा ऊपर ही। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे डेबिट कार्ड का डिटेल्स दे देना, यानी कि डेबिट कार्ड नंबर आप लोगों को यहाँ पे दर्शा देना। इसके बाद में यहाँ पे आप लोगों को मंथ और एक्सपायरी डेट यहाँ पे बता देना अपना, और एटीएम पिन जो भी आपने बना रखा वो यहाँ पे बता देना। इसके बाद में ये जो आपको संख्या दी गई है इसका आंसर आपको यहाँ पे लिख देना, जो भी आप चाहते हैं इसका आंसर यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पे जैसे कि आपको नहीं आ रहा तो आप रिफ्रेश कर लीजिए, 5+5 यहाँ पे 10 होते हैं तो आपको यहाँ पे लिख देना। तो गाइस मैं तुम्हारे सामने यहाँ पे पूरी डिटेल्स को भर देता हूँ जल्दी से, आप लोग देख लीजिए। आप लोग सामने में ये पूरा डिटेल्स यहाँ पे भर चुका हूँ, भरने के बाद में इसे मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। तो सबमिट जैसे मैं करता हूँ, यहाँ पे आप लोग सामने देख लीजिए सेट लॉगिन पिन का ऑप्शन आ चुका है, यानी कि आप लोग अब यहाँ से डिटेल्स भरने के बाद में लॉगिन पिन सेट कर सकते हैं। सिंपली आप लोग यहाँ पे ये पिन बना लेंगे अपना, अपने अकॉर्डिंग आपने ये पिन बना लिया। यहाँ पे पिन बनाने के बाद में इसको नीचे कंफर्म लॉगिन पिन पर क्लिक करके कंफर्म कर लेना दोबारा से, यानी कि टैप इसको कर देना। टैप करने के बाद में इसे आपको सबमिट करना होगा। सबमिट आप लोग जैसे कर देंगे, लॉगिन पिन सक्सेसफुली सबमिटेड हो गया। अब आपको इसे प्रोसीड करना, प्रोसीड जैसे करेंगे आप लोग सामने यहाँ पे मैसेज भी आ चुका है लॉगिन पिन चेंज हो गया। अब आपको इसे लॉगिन करना, जो भी पिन आपने डाला था वो यहाँ पे डाल दीजिए आप लोग, और ये लॉगिन हो जाएगा आप लोगों के सामने। लॉगिन होने के बाद में इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब गाइज यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे थ्री डॉट्स पे आपको जाना है। यहाँ पे कोई सा भी पिन आप चेंज करना चाहते हैं, ट्रांजेक्शन पिन और लॉगिन पिन, तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। सेटिंग में जाना है, सेटिंग में आप लोग गए, अब आपको यहाँ पे दिया है चेंज लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, चेंज लॉगिन पिन आपको चेंज करना है तो यहाँ पे आपको करंट लॉगिन पिन डालना है जो कि आपका एग्जिस्टिंग लॉगिन पिन है, और न्यू लॉगिन पिन यहाँ से आप लोग बना के सबमिट कर दीजिए तो नया पिन आपका बन जाएगा। उसके बाद में आपको ट्रांजेक्शन पिन चेंज करना है, तो गाइस सिंपली आपको ट्रांजेक्शन पिन चेंज करने के लिए अगर याद नहीं है ट्रांजेक्शन पिन तो रिसेट ट्रांजेक्शन पिन पर आपको जाना है। उस पर आप लोग गए, उसके बाद में आपको डेबिट कार्ड का डिटेल डालना, पूरा डेबिट कार्ड का डिटेल डालने के बाद में सिंपली आप लोग नया ट्रांजेक्शन पिन यहां पे बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से आप लोग अपने घर पे बैठे ही इसका यू मोबाइल एप्लीकेशन का ट्रांजेक्शन पिन और लॉगिन पिन को चेंज कर सकते हो। तो गाइस मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताया, इस तरीके से आप लोग डेबिट कार्ड का डिटेल्स डाल के आप लोग अपना यू मोबाइल एप्लीकेशन का लॉगिन पिन और ट्रांजेक्शन पिन अपने अकॉर्डिंग अपने मोबाइल फोन से आप घर पे ही बना सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी इसका चार्जेस नहीं लगेगा। तो गाइज उम्मीद करेंगे वीडियो आप लोग अच्छा लगेगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर करना, कॉमेंट जरूर करना, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।